पंजाब के गिद्दड़वाहा में एक मुस्लिम दूल्हे अब्दुल हकीम ने पगड़ी पहनकर शादी की। पगड़ी पहनने के पीछे उसका उद्देश्य अमन शांति को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही वो सिख समुदाय को धन्यवाद देना चाहता था जिन्होंने दिल्ली हिंसा के दौरान मुस्लिमों को रहने के लिए शरण और पेट भरने के लिए खाना दिया। हकीम के साथ उनके कई रिश्तेदारों ने भी पगड़ी पहनकर धर्म को लेकर एकता का संदेश दिया। हकीम के ससुर जी अपने दामाद के इस फैसले पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं कि हकीम और उनके परिवार ने इस तरह का फैसला लिया। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लोग शादी में पहनावे को लेकर कितने सख्त होते हैं कि क्या पहनना चाहिए, किस कलर का पहनना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने धर्म को दर्शाता है। लेकिन हकीम और हकीम की फैमिली ने पगड़ी पहनकर ये दिखाने की और समझाने की कोशिश की कि सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, एक जैसे हैं। न्यूज़ डेस्क।